नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। 8 साल बाद बिहार में फिर से सचिवालय सहायक का फॉर्म निकला। आपको बताएं कि 15 मई तक ही लास्ट समय है और फॉर्म भरने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। गलती से अगर कोई जानकारी एक बार चली जा रही है तो फिर दोबारा उसे सुधारने का मौका नहीं दिया जा रहा। यही कारण है कि छात्र रोज दिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि 8 साल बाद ये फॉर्म आया है। अगर इस बार चुके तो पता नहीं अगला कब आएगा। यहाँ पर छात्र जो आप देख रहे हैं, ये छात्र जो हैं सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम सत्यम कुमार केसरी और हम सासाराम से आए हुए हैं। सासाराम, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? मेरा साइबर कर वाला सिग्नेचर गलत कर दिया, जो हम सोचते हैं कि सही करे बिहार। अच्छा, क्या बोला गया है आपको? बोला गया है कि अभी देखिए क्या होता है, जो होगा सो सम दिया जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम जहानाबाद से आए हैं। क्या समस्या है आपको? सर, समस्या ये है कि सर, आप कोई भी बिहार का फॉर्म भरिए, चाहे आप प्राथमिक स्कूल का ही फॉर्म भरिए, उसमें एक तो संशोधन का प्रक्रिया हर जगह पे दिया जाता है, ऑप्शन हर जगह दिया जाता है, चाहे आप 5 क्लास का फॉर्म भरिए, 8 क्लास का भरिए या 10 क्लास का भरिए। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसे इतने बड़े आयोग में पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद ये लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि फॉर्म भरने में तकनीकी कुछ न कुछ खामियां आ सकती हैं, उसके लिए हम ऑप्शन छोड़ें, विद्यार्थियों को सहूलियत मिले, जो विद्यार्थी इधर उधर भटक के समय बर्बाद करता है उस समय में पढ़ाई करे। सर, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है कि कुछ करेक्शन आदमी करे। और अभी सिर्फ यहाँ पर आने के बाद 2-3 घंटों के बाद एक आवेदन ले लिया गया और कहा गया कि आगे बस भगवान भरोसे इंतजार करिए, कुछ होता है तो देखा जाएगा, अन्यथा परीक्षा में बैठ जाइएगा, परीक्षा पास भी हो जाइएगा तो बाद में बाहर निकाल दिए जाइएगा, क्योंकि आपका जो है आवेदन ही रद्द कर दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था में समझ में ही नहीं आता है कि विकल्प क्या है। आप कहाँ से आए? मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा भी यही समस्या है, मेरा NCL में साइबर कैफे के द्वारा मतलब गलत डाल दिया गया है, जिसके कारण मैंने आवेदन दिया है, लेकिन वही एक एक्सेप्ट मैंने सुधार करने के लिए दे दिए गए हैं और बोले कि आपका हो जाएगा, मतलब इस तरह से। और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब प्रोसेस सिर्फ खाली नाम के खाली एक दे दिया गया है कि आपको फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक तो आवेदन मतलब दे दिया गया, ताकि भीड़ को यहाँ से हटाया जा सके। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि हम फॉर्म फिल किए हैं, उसमें पिता के नाम में एक मिस्टेक हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण मेरा फॉर्म दिक्कत हो रहा है। और यहाँ आवेदन दे दिए हैं और यही कहे हैं कि आप संतुष्टि के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एडिट के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। हम लोग का यही मांग है कि एडिट करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाए, तो सभी छात्र को सहूलियत हो और एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दिलीप भी हैं हमारे साथ। दिलीप आए हुए थे आज एप्लीकेशन देने के लिए, कुछ मांगी थी इनकी। दिलीप जी आइएगा। सबसे पहले तो रोज़ समस्या हो रही है BSSC के साथ कि कितने हज़ार छात्र हैं जिन्होंने गलत फॉर्म या कुछ मिस्टेक हो गया है, उनसे एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा और फिर से एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे दो तरह की समस्या है स्टूडेंट्स की। पहला तो ये जो फॉर्म भर चुके हैं उसमें समस्या ये हुई है कि साइबर कैफे से लोग फॉर्म भरवाते हैं, हर किसी के पास तो अपना लैपटॉप या संसाधन नहीं है, तो हम लोग साइबर कैफे से जाके फॉर्म भरते हैं। और साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, कभी कभी सर्वर भी डाउन रहता है, उसके वजह से भी होता है, और कभी कभी साइबर कैफे वालों की गलती की वजह से। अब MBC ये करना है कैटेगरी तो BC कर दिया, BC है तो MBC कर दिया, या फिर मार्कशीट का या किसी का सर्टिफिकेट नंबर देना है तो डेट ऑफ बर्थ गलती से डाल दिया, हिंदी में सिग्नेचर की जगह इंग्लिश में सिग्नेचर डाल दिया। तो ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये कभी कभी साइबर स्लो की वजह से होता है या फिर साइबर कैफे वालों की गलती से होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं है। और जब BSSC 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट काउंसलिंग के समय 4-5 साल बाद दे सकता है कि तकनीकी भूल के चलते ऐसा हुआ, तो यहाँ तो फॉर्म ही भराया जा रहा है, तो कम से कम 2-3 दिन आप समय दीजिए एक्स्ट्रा, माने सिर्फ एडिट का, कि एडिट करके लोग सुधार कर सके, जिनकी जो गलती हो गई हो उसको, जो त्रुटि है अशुद्धि है उसको सुधार कर सके। और दूसरा, आप आवेदन दे रहे हैं इस समस्या को लेकर? इसके लिए हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग में दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के पास सचिवालय में जाके दे रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि बिहार में जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS, आवासीय सर्टिफिकेट पिछले 8-10 दिन से जो बनाया जाता है वहाँ काम ही नहीं हो रहा है, उनका सर्वर ही ठप पड़ गया पूरे बिहार का, और जो लोग पहले अप्लाई कर चुके थे उन लोगों को नहीं मिला है। तो इसलिए कम से कम 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाए अंतिम तिथि फॉर्म भरने का, और एडिट करने का भी ऑप्शन कम से कम एक बार आप एडिट करने का दीजिए कि एडिट करके लोग सुधार कर सके। नहीं, छात्र तो कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, अंदर में बोला जा रहा है इंक्वायरी में। नहीं, अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो फिर बिहार के छात्र अभी अगर गलती सुधार नहीं करेंगे तो अंत में जब इनका ज्वाइनिंग का समय आएगा, रिजल्ट फाइनल होगा, तो उस समय इन लोग को मिली हुई नौकरी इन लोगों से छीन ली जाएगी, जैसे प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में
एनसीएल के नाम पे किया जा रहा है, तो इसलिए इसका समाधान अभी होना चाहिए, फॉर्म भरते समय ही होना चाहिए। अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, अभी तो फॉर्म ही भराया जा रहा है, तो अभी ही इसका सुधार किया जाना आवश्यक है, नहीं तो फिर सभी लोग मिलकर हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। तो आपको बता दें कि बीएसएससी का जो तृतीय सचिवालय सहायक परीक्षा है, 8 सालों बाद फॉर्म आया है और फॉर्म में जो फिलअप करने में त्रुटि हो रही है उसको लेकर आयोग से एडिट का ऑप्शन, फिर से 2-3 दिनों के लिए एडिट करा के फिर उसमें सुधार करने का ऑप्शन के बारे में रिक्वेस्ट करने के लिए रोज़ सैकड़ों छात्र पहुंच रहे हैं और उनके आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होगी अभी तक इसको लेकर कोई भी सूचना आयोग के द्वारा नहीं दी गई है। तो गुजारिश है आयोग से कि छात्र हित में कम से कम ये जरूर करें, क्योंकि 8-8 साल बाद फॉर्म आएगा और कोई छात्र फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, ये बड़ा ही दुख का बात है। और इन्हें ये भी टेंशन है कि ये सचिवालय सहायक पता नहीं कितने सालों में ख़त्म होगा और अगला कब आएगा। तो गुजारिश आयोग से छात्र हित में कम एडिट का ऑप्शन जरूर दें।